कांशीराम स्मारक स्थल पर किया गया था। पुलिस की माने तो सीढ़ियों पर बने दो द्वारों में से एक से लोग नीचे आ रहे थे और संतुलन बिगड़ने से एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। घटना में बिजनौर की 68 साल की शांति देवी और एक अन्य अज्ञात महिला की दम घुटने से मौत हो गई। बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और अपने इसी सपने में रंग भरने के लिए रविवार को राजधानी लखनऊ में मायावती ने महारैली का आयोजन किया। मौका बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि का था। ऐसे में रैली को सफल और दमदार बनाने के लिए दूर दूर तक भीड़ जुटाई गई। एक अनुमान के मुताबिक मायावती की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि खुद बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्र ने शामिल हुए लोगों की संख्या को 20 लाख बताया है। 20 लाख आदमी आज यहाँ पर इकट्ठा है और ये आदमी 2-3 घंटे पहले से इकट्ठा हो गया यहाँ पर आकर के। ये आज माननीय काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और माननीय बहन जी को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनका संदेश लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जा करके देने के लिए आज यहाँ सुबह से यहाँ पर डटा हुआ है। आप इसी से समझ सकते हैं कितना किस तरीके से माननीय बहन जी के प्रति इन लोग जो हैं समर्पित हैं और समर्पण की वजह से आज यहाँ पर मौजूद होकर के ये लोग उनका संदेश लेने के लिए इकट्ठा हैं और ये भी संदेश ये लोग आकर यहाँ दे रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग बनवा करके और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन अचानक हुई भगदड़ से ये रैली मौत की रैली में तब्दील हो गई। भगदड़ से 2 से 3 लोगों की मौत हो गई। वक्त के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि घायलों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है। यहाँ पे मैं 11:20 के आसपास 13 लोग घायल आए थे। 11:20 से 12 बजे के बीच में 13 लोग घायल आए थे और एक महिला मेरे पास मृत अवस्था में आई थी। क्या कारण था मौत का तुम बता? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम होगा, तबीयत पता चलेगा, मैं कैसे बता सकता। गर्मी की वजह से या पानी? हाँ नहीं, इस टाइम पीट हुई है, भगदड़ नहीं मरे हैं लोग, क्योंकि मोस्टली सबको किसी को सीने में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, तो सबने तकलीफें बताई अपनी भगदड़ की जैसा रहा। ये भगदड़ उस वक्त हुई जब मायावती बीजेपी और सपा पर निशाना साधकर अपने पक्ष में माहौल बना रही थी और तभी भीड़ में हलचल हुई और ये हलचल भगदड़ में तब्दील हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और जब तक लोग संभलते हादसा हो चुका था। मायावती अपने इस महारैली से अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन अब ये रैली हादसे को लेकर चर्चा में है। हालांकि रैली में हादसे पहले भी हुए हैं, पहले भी अपने प्रिय नेता को सुनने आए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन भीड़ को वोट समझने वाले नेताओं को भी समझना चाहिए कि जिसे वो अपना वोट समझते हैं वो भी आखिर इंसान हैं। अगर समझते तो इसका इंतजाम किया जाता, लेकिन 10 लाख 20 लाख की भीड़ जुटाने में सुरक्षा का ख्याल किसे है? सबको भीड़ की पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट। चाहती है यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही हैं। रविवार को बीएसपी के संस्थापक काशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने लखनऊ में एक मेगा रैली का आयोजन किया, जिसमें मायावती ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सबसे पहले बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी सेना के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठा रही है, जबकि ये सेना की उपलब्धि है। माय की माने तो सरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी लाभ लेना चाहती है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद ही हो जाना चाहिए था,
लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें जानबूझकर देरी की गई ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। मायावती के इस हमले के बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी मायावती पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। अब ये बताइए कि सांप्रदायिक राजनीति किसने की, जो यानी सीधे तौर पर मुसलमानों के वोट मांगने के लिए वो ये कर रही हैं। तो सांप्रदायिक तो सबसे बड़ी वो खुद है और जातिगत राजनीति भी वही करती है और जाति आधारित राजनीति भी वही करती है। और भ्रष्टाचार की तो बात ही याद कीजिए, जब मायावती राज में थी तो क्या भ्रष्टाचार का हाल था। लेकिन मायावती कहां रुकने वाली थी, उन्होंने एक के बाद एक कई निशाने साधे। उनके एक निशाने पर बीजेपी थी तो दूसरे पर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी। मायावती ने सपा पर गुंडों की सरकार, सवालों में महिला की सुरक्षा जैसे कई हमले किए। मायावती भली भांति जानती हैं कि उनकी असल टक्कर इस बार बीजेपी और सपा से है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेते हुए बढ़त बनाती दिख रही है, वहीं सपा अखिलेश यादव की साफ छवि को लेकर फिर से सरकार बनाने का दम बढ़ रही है। यही कारण है कि मायावती अपनी रैलियों में बीजेपी और सपा दोनों को निशाने पर ले रही है। उससे पहले वो करती रही थी। बहुजन समाज पार्टी, जिसे दशकों पहले कांशीराम ने स्थापित किया था, यूपी नहीं बल्कि केंद्र राजनीति में भी बीएसपी का अपना एक अलग स्थान है। जब से बीएसपी की स्थापना हुई है तब से कांशीराम अपना खुद का एक मजबूत वोट बैंक रहा है और इसी कारण पार्टी को चुनाव की सियासी बयार में कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। कांशीराम जी, जो उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो एक ही चीज से पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति ने समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो, जैसे जिंदगी में उनके पास आधी बाजू की दो कमीजें, दो पैंट, दो जोड़ी प्लास्टिक की चप्पल, इस छोटी से संसाधन पे उन्होंने जिंदगी गुजारी। कभी उन्हें पैसे की आशा नहीं रही, वो चाहते तो बड़े पद पे भी जा सकते थे और बड़े पद से वो इस्तीफा देकर राजनीति में लाए थे। उन्होंने एक रास्ता जरूर दिखाया दलित समाज को और पार्टी बनाई, पार्टी सफल चली भी उनके निर्देशन में। और जब से वास्तव में पिछले 2007 का जो चुनाव हुआ था वो अगर बहुजन समाज पार्टी जीती थी तो वो माननीय कांशीराम जी के नाम पे ही जीती थी। जब वो 2006 में उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनके डेथ का ही वो रिजल्ट था जो 2007 में सरकार बनी थी। कांशीराम ने गरीबों दलितों को जीने की राह दिखाई है। कांशीराम का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा। कांशीराम उन लोगों में से एक थे जो अपना सुख आराम त्याग कर गरीबों की सेवा में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। जिंदगी भर अविवाहित रहकर बिना किसी लाभ के पद पर रहे हुए उन्होंने बीएसपी और दलित समाज को संगठित किया। सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने जो सफल मंत्र दिया वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। माननीय कांशीराम जी त्यागी व्यक्ति, जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ त्यागा हो, और जिस व्यक्ति ने भी आज तक त्याग किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे वो माननीय कांशीराम जी हों, या और भी कोई महापुरुष हैं, जो भी संत हों, मैं संतों की बात करना चाहता हूँ, जो त्याग करता है जनता उनके पैर भी छूती है और उनके जाने के बाद उनकी तस्वीरें अपने ड्राइंग रूम में लगाती है और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती है। इसलिए माननीय कांशीराम जी के व्यक्तित्व को मैं दलित समाज के नेताओं के व्यक्तित्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद दूसरा व्यक्तित्व मानता हूँ। अब बात अगर कांशीराम की शिष्या मायावती की करें तो आज हम जिस मायावती जी को देखते हैं वो कांशीराम के सहयोग के बिना कुछ नहीं थी। अगर कांशीराम ने मायावती की क्षमता को नहीं समझा होता और उन्हें आसमां की बुलंदी पर बैठने का मौका न दिया होता तो शायद आज हम भारतीय राजनीति की पहचान बन चुकी मायावती जी को नहीं देख पाते। और सिर्फ मायावती ही क्यों, कांशीराम की बदौलत ही पूरे भारत में बीएसपी ने अपने पांव जमाए और हजारों नेताओं ने अपनी किस्मत चमकाई।
जब से मायावती पार्टी की मुखिया बनी तब से पार्टी ने कई बार सत्ता का स्वाद चखा। मायावती अपनी पार्टी में सभी फैसले खुद ही लेती हैं, जिसका असर पार्टी कार्य में साफ दिखाई देता है। इन सभी का पार्टी छोड़ने का कारण पार्टी की मौजूदा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली हो या इन नेताओं के अपने समीकरण या स्वार्थ हो। यही वजह है कि बीएसपी में मायावती के उभार और पुराने नेताओं के बीएसपी से बाहर होने के कारण पार्टी की छवि और वोट बैंक पर गहरा असर पड़ रहा है। कांशीराम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शोषित समाज की निष्क्रिय रही राजनीति चेतना को जागृत किया था। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए विकास के लिए बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे के पार पहुंचने का कार्य कांशीराम जी ने किया था। बाबा साहेब ने दलितों को मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया, कांशीराम जी ने समाज को मनोबल प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। कांशीराम जी की उन महान पुरुषों में गिनती होती है जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए कार्य किया। अपनी माँ को लिखी चिट्ठी में कांशीराम ने शोषित समाज को ही अपना परिवार बताया। नौकरी के दौरान जातिगत भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार के दर्शन को गहनता से पढ़कर दलितों को एकजुट करने में जुटे। पंजाब के एक चर्चित विधायक की बेटी का रिश्ता आया, लेकिन दलित आंदोलन के हित में उसे ठुकरा दिया। उन्होंने बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। कांशीराम जी की पहली ऐतिहासिक किताब द चमचा एज 24 सितंबर 1982 को प्रकाशित की गई। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले कांशीराम के राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले कांशीराम बाबा साहेब द्वारा स्थापित पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य बने। 1971 में पूना में आरपीआई और कांग्रेस के बीच गैर बराबरी के समझौते और नेताओं के आपसी कलह से आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माननीय कांशीराम जी दलित समाज के लिए एक संत और संत के साथ साथ महानायक के रूप में पैदा हुए, और मैं अपनी आत्मा से उनको इतना सम्मान देता हूं कि उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ समर्पण किया समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वो एक तरीके से मेरे आदर्श के रूप में। उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को पामसेप का विधिवत गठन किया। कांशीराम का मानना था कि आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी में पहुंचा वर्ग की शोषित कैथलिक इंटेलेक्चुअल और कैपिटल बैंक यही कर्मचारी तबका है। दलितों की राजनीतिक ताकत तैयार करने में पामसेप काफी मददगार साबित हुआ। आज जब भारतीय राजनीति की बात की, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वो सरकार राजनीति की भेंट चढ़ गई। ऐसे में महिला बनकर मायावती की सुप्रीम